शुरुआत करेंगे इस सवाल के साथ कि संघ के खिलाफ राहुल गांधी की जंग की वजह क्या है, संघ को लेकर उनकी सियासी नफरत क्यों है, उनका सियासी एजेंडा या फिर संघ पर राहुल का अल्प ज्ञान क्यों। राहुल गांधी ने इस बार संघ की तुलना, ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान के कट्टरपंथी सोच वाले मदरसों से की है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि भारत ने अपने स्कूलों के जरिए हमला शुरू किया है। किस तरह? जिस तरह पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथी मदरसों के जरिए अपनी विचारधारा आगे बढ़ाई जाती है, उसी तरह आरएसएस अपने स्कूलों के जरिए अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। तो देशहित में सवाल यह है कि पाकिस्तान के कट्टर मदरसों से संघ की तुलना कैसे हो सकती है, और क्या राहुल गांधी को आरएसएस पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों का ज्ञान नहीं है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितो हम। The RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas. In Pakistan, the radical Islamists use their madrasas. In Pakistan, संघ से जंग के चक्कर में पाकिस्तान में कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाने वाले मदरसों की तुलना आरएसएस से करने वाले राहुल गांधी को पहले ये दो बयान ध्यान से सुनने चाहिए। संघ को लेकर पहला बयान महात्मा गांधी का है और दूसरा बयान उनके पर नाना जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी ने कहा था, आरएसएस के सामाजिक कार्यों में मैं राष्ट्र हित देख रहा हूं, व्यक्तिगत चरित्र ध्येय के प्रति प्रतिबद्धता है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कांग्रेस का संघ के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन देश पर संकट हो तो हम एकजुट होकर काम करें। लेकिन पाकिस्तान के मदरसों से संघ की तुलना के चक्कर में राहुल भूल गए कि दुनिया में अगर पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है तो वहां के मदरसे आतंकवाद की नर्सरी। The RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas. In Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview. तो सबसे पहले राहुल गांधी के लिए जानकारी ये है कि RSS सीधे तौर पर कोई स्कूल नहीं चलाता। संघ से जुड़ी संस्था विद्या भारती देश भर में स्कूल चलाती है। RSS से जुड़ी संस्था विद्या भारती के मुताबिक उसका स्कूल चलाने का लक्ष्य शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करना, बच्चों में हिंदुत्व के लिए प्रतिबद्धता और जोश भरना, छात्रों का शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत का निर्माण है। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की। लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, यही संघ करता है। अब आपको पाकिस्तान के उन कट्टरपंथी मदरसों के बारे में भी जानना चाहिए जिनकी तुलना राहुल गांधी ने आरएसएस के स्कूलों से की है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जानकारी यह है कि पाकिस्तान में आतंकवादी हाफिज सईद की संस्था सबसे ज़्यादा मदरसे चलाती है, जबकि वहीं के जनरल बाजवा कह चुके हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले या तो मौलवी बन सकते हैं या फिर आतंकवादी। 2019 में पीओके में भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक के बाद खुलासा हुआ था कि आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद वहां मदरसे चला रहा है जहां बच्चों को आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। एयर स्ट्राइक के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान की सेना जैश के आतंकी मदरसों से बच्चों को सुरक्षित ठिकाने पर ले गई थी। इसके अलावा 2001 में 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान के मदरसों में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कुछ रिसर्च में ये दावा किया गया था कि अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा समेत कई आतंकवादी संगठनों का मदरसों से गहरा जुड़ाव है। बलोच वाइस एसोसिएशन ने कहा था कि पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाया जाता है कि गैर मुस्लिम काफिर हैं और बंदूक बमों का सम्मान करना चाहिए,
पाकिस्तान के मदरसों में ये भी सिखाया जाता है कि गैर मुस्लिम महिलाओं को मरना चाहिए, नहीं तो वो गैर मुस्लिम बच्चों को जन्म देंगी। इसलिए सवाल सिर्फ राहुल के संघ ज्ञान पर नहीं है, सवाल उनके बयान की टाइमिंग पर भी है। राहुल ने संघ की तुलना पाकिस्तान के कट्टरपंथी मदरसों से ऐसे वक्त में की है जब कांग्रेस खुद बंगाल में कट्टरपंथी मौलाना के साथ चुनाव लड़ रही है। सवाल यह है कि राहुल का संघ पर बयान क्या कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संघ को लेकर भारत के महापुरुषों के विचार क्या हैं, आज देश हित में हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि संघ पर राहुल गांधी के विचार और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विचार कैसे एक दूसरे से 100% मैच करते हैं। हमारे सामने एक बड़ी खौफनाक आइडियोलॉजी खड़ी है। इस आइडियोलॉजी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जिसके ये बचपन से मेंबर हैं नरेंद्र मोदी, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी ने अपनी इंस्पिरेशन हिटलर की नाजी पार्टी से ली थी। द आरएसएस बिगेन द अटैक थ्रू देयर स्कूल्स, सो मच लाइक द रेडिकल इस्लामिस्ट्स यूज देयर मदरसास इन पाकिस्तान, much like that the RSS uses its schools to push a particular worldview. राहुल गांधी तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे संघ ने ये स्कूल चलाने 2014 के बाद शुरू किए हैं। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि देश के किस महापुरुष ने संघ को लेकर क्या कहा। आरएसएस के सामाजिक कार्यों में मैं राष्ट्रहित देख रहा हूं, महात्मा गांधी क्या सोचते थे, उनका कोट आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं उन्हें ही कोट कर रही हूं। व्यक्तिगत चरित्र ध्येय के प्रति प्रतिबद्धता है, ये महात्मा गांधी ने कहा। कांग्रेस का संघ से वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन संकट के वक्त देश को एकजुट होना चाहिए, ये पंडित नेहरू ने कहा और हमने आपको हमारी रिपोर्ट में भी उनका ये कोट दिखाया। संघ की देशभक्ति, इस वक्त आप पंडित नेहरू का कोट देख रहे हैं, अगर जनसंघ फांसीवादी है तो मैं भी फांसीवादी, ये पंडित नेहरू ने कहा। संघ की देशभक्ति किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं है, ये जयप्रकाश नारायण ने कहा, और समाज को संगठित करने में संघ का बताया हुआ मार्ग ही सही है, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। लोग मुझे रॉयल बैगर कहकर बुलाते हैं, अगर आप चाहें तो मैं संघ के लिए धन जुटाऊंगा, ये कोट आपके स्क्रीन पर मदन मोहन मालवीय ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं संघ के लिए धन जुटाऊंगा। स्वयं सेवा किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना, किसी दूसरे की जाति जाने बगैर परस्पर भाईचारे से रह रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। संघ पर दंगा और दहशतगर्दी का आरोप बेबुनियाद है, मुस्लिमों को संघ से परस्पर प्रेम सौहार्द और संगठन सीखना चाहिए, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्द है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें नसीहत दी है। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का बयान गैर जिम्मेदाराना है, राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, इमरजेंसी पर 36 साल बाद राहुल को गलती का एहसास हुआ। सर एक सवाल आता है कि अभी राहुल गांधी ने संघ की तुलना पाकिस्तान के मदरसों से किए हैं जहां आतंकवादी पैदा होते, इसी राजीव गांधी के बयानबाजी के कारण ही उन्होंने कांग्रेस का पूरी तरह बंटाधार बजाया। वो जो गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट करते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं उससे राहुल गांधी, इसी के कारण उनका पार्टी का भी नुकसान होता है। और मैं राहुल गांधी जी से यही अपेक्षा करता हूँ कि एक जिम्मेदार विपक्ष के वो नेता है, वो जिम्मेदारी से बात करे, इस प्रकार की बातें करना बिल्कुल उचित नहीं है। आपको लगता है कि राहुल गांधी जो इमरजेंसी की बात कही वो जिम्मेदारी है, क्योंकि इतने सालों बाद कह रहे हैं कि गलती हुआ? 36 साल के बाद कम से कम उनको इस बात का एहसास हुआ, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, और उस बात को उन्होंने स्वीकार किया, ये अच्छी बात है। और आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी दादी ने माना था कि आपातकाल लगाना गलती है, खुद राहुल गांधी मानते हैं गलती है, लेकिन आप केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे राहुल गांधी को ये बयान जो है राहुल गांधी का वो गैर जिम्मेदाराना है। अब देश हित में एक एक संवाद आपसे, क्या आप मानते हैं कि देश में कानून सभी के लिए एक बराबर है, कानून के लिए कोई भी वीवीआईपी नहीं,
तो इस सवाल पर कोई भी राय बनाने से पहले आपको उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को ध्यान से देखना चाहिए, जो मामूली केस में पंजाब की जेल में बंद है। 2 साल से पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की है। 2 साल से मुख्तार अंसारी ने जमानत नहीं मांगी, और ये सब क्यों? ये सब सिर्फ इसलिए कि उसे यूपी की जेल में ना आना पड़े। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, उसे उत्तर प्रदेश की जेल में ना आना पड़े। इसके लिए मुख्तार अंसारी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है, पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है, और मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में ना जाना पड़े इसके लिए ये केस लड़ा जा रहा है। हर सुनवाई में पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये राजनीति के वीवीआईपी अपराधी और माफिया मुख्तार अंसारी की ताकत है कि सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए कैप्टन सरकार और योगी सरकार की लड़ाई चल रही है। पंजाब विधानसभा में सवाल उठ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब में वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, क्यों मुख्तार के लिए बड़े बड़े वकील किए जा रहे हैं जिनकी एक पेशी की फीस 10 लाख रुपए तक है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्तार को लेकर सुनवाई हुई। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुख्तार का केस फिल्मी साजिश जैसा है। पंजाब पुलिस यूपी की कोर्ट से पूछे बिना मुख्तार को यूपी की जेल से ले आई। रंगदारी के जिस केस में मुख्तार 2019 से ही पंजाब की जेल में है, उसके लिए पंजाब पुलिस ने अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की। 60 दिन बाद मुख्तार को अपने आप बेल मिल जानी चाहिए थी, लेकिन मुख्तार 2 साल से जेल में है और वो जमानत तक नहीं मांग रहा। तुषार मेहता ने कहा मुख्तार और पंजाब सरकार न्याय प्रक्रिया का मजाक बना रहे हैं। इसके जवाब में मुख्तार के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यूपी सरकार फर्जी एनकाउंटर कर रही है। मुख्तार अंसारी का भी फर्जी एनकाउंटर हो सकता है, इसीलिए मुख्तार के सभी केस दिल्ली शिफ्ट किए जाएं। इसके बाद पंजाब सरकार के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि मुख्तार कोर्ट के आदेश पर पंजाब में है, इसका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। माफिया मुख्तार बीमारी का हवाला देकर यूपी की जेल में आने से बच रहा है। पंजाब में उसके खिलाफ रंगदारी मांगने का केस आगे बढ़ नहीं रहा, और यूपी में उसके खिलाफ हत्या जैसे आपराधिक मामले उसकी पेशी न होने की वजह से रुके पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशित में अब आपको यह भी जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के लिए पंजाब सरकार वकीलों पर कितना खर्च कर रही है। मुख्तार अंसारी के वकील हैं मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी देश के बड़े वकीलों में से एक है। उनके बारे में कहा जाता है कि मुकुल रोहतगी की एक दिन की फीस 11 लाख रुपए है, जबकि मुख्तार अंसारी केस में पंजाब सरकार के वकील हैं दुष्यंत दवे। दुष्यंत दवे का नाम भी देश के बड़े वकीलों में लिया जाता है। तुषार मेहता की एक दिन की फीस भी आपको बता देते हैं। तुषार मेहता की एक दिन की फीस 7 से 10 लाख रुपए है। तब आप समझ लीजिए कि एक माफिया डॉन के लिए पैसा किस तरह से बहाया जा रहा है। देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सीता जी की चरण पादुका मिटाने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि सीता जी की चरण पादुका के स्थान पर ईसाई समुदाय के लोगों ने क्रॉस का निर्माण करा दिया है। ये खबर आपकी तरफ फैल रही है और विवाद भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमारी कोशिश होती है कि खबर की सच्चाई आपके सामने हम लेकर आए। इसीलिए हमने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सीता जी की चरण पादुका मिटाने के दावे की पड़ताल की, और इस पड़ताल में हमें 3 बड़ी बातें सामने दिखी। श्री राम के साथ वनवास जाते समय क्या सीता के पांव इन पहाड़ों पर पड़े थे, जहां अब मरियम की मूर्ति और क्रॉस लगे हैं? हमारे मन में ये सवाल उठा बीजेपी नेताओं के इस ट्वीट को देखने के बाद। सोशल मीडिया पर केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और बीजेपी नेता सुनील देवधर ने क्रॉस चर्च और नरसिम्हा की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि ये हिंदू आस्था का अपमान है। ये स्थान माँ सीता और भगवान नरसिम्हा के पद चिन्हों की वजह से पूजनीय है। ये स्थान आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है, जो कि दिल्ली से 1855 किलोमीटर दूर है। हमारे लिए सच जानना जरूरी था, क्योंकि जिस तरह की खबर फैल रही थी उससे यही लग रहा था कि सीता जी की चरण पादुका की जगह पर क्रॉस के निशान बनाए गए।
जी मीडिया संवाददाता प्रसाद भोसेकर हैदराबाद से 270 किलोमीटर दूर गुंटूर पहुंची। गुंटूर शहर में पहुंचकर पता चला कि जिस स्थान पर ये विवाद चल रहा है वहां तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर और चलना होगा। खैर, प्रसाद भोसेकर उस जगह पर पहुंच गए जिसकी तस्वीर हमने सोशल मीडिया पर देखी थी। इस वक्त हम गुंटूर चेन्नई नेशनल हाईवे पर है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो काफी विवादास्पद बन गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मदर मेरी का एक स्टैचू है, उनका एक मंदिर है और सीढ़ियां हैं और जहां पर क्रॉस बनाया गया है। ये पूरी जगह विवादों के घेरे में है क्योंकि एक वर्ग मानता है कि यहां पर कभी सीता माता के कदम पड़े थे यानी उनके फुटप्रिंट्स है और दूसरी तरफ जो क्रिश्चियंस है उनका कहना है कि वो जगह ये नहीं है, कोई और पहाड़ है और उसी के चलते उन्होंने यहाँ पर सीढ़ियाँ बना दी है जो कि पूरी तरह से क्रॉस तक जाती है। यहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा एक पहाड़ी पर मदर मैरी की प्रतिमा है, क्रिश्चियन क्रॉस के विशाल निशान हैं और सीढ़ियाँ हैं। अब हमें ये पता करना था कि क्या माता सीता के पैरों के निशान इसी जगह पर पड़े थे। हमारी पड़ताल शुरू हो चुकी थी। हमने सबसे पहले बात की इस गांव में स्थित चर्च के फादर सुभाष चंद्र बोस से। सही सुना आपने, यही हैं फादर सुभाष चंद्र बोस। That was the allegation recently. Nearly 10 mountains were there. Villages here, Hindu elders are here. They all know the history of the village. That Sitamma vari padalu, that mountain is completely different. And today morning itself, the police government, they released a press note and the intelligence, they all came last night. They have seen the distance between this cone, this hill and that hill. That is completely different. हमारी पड़ताल का पहला पक्ष सामने आ चुका था। अब दूसरा पक्ष यानी गांव में रहने वाले हिंदू समुदाय के पास हम पहुंचे। सवाल आस्था का है, इसलिए हमने इसी गांव में हनुमान मंदिर के पुजारी 78 वर्षीय पोली रेड्डी से बात की। हनुमान मंदिर के पुजारी ने बताया कि माँ सीता के पांव के चिन्ह इन पहाड़ियों पर थे, लेकिन ये चिन्ह कहाँ थे, किस तरह दिखते थे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब हमने हिंदू संगठन की कार्यकर्ता यामिनी शर्मा से बात की। Locals told us that you know there used to be Jayanti Lakshmi Narayan, Lakshmi Narasimha Swami temple which is on the hill. And then padukas of Ma Sita, so more than 200 years as per these villages. When the locals said that they used to offer pujas and they used to worship Lakshmi Narasimha Swami and also Ma Sita padukas. यामिनी शर्मा से बातचीत में माता सीता के साथ नरसिम्हा स्वामी मंदिर का भी जिक्र हुआ। हम एक बार फिर उन पहाड़ों की ओर बढ़े जिस पहाड़ी पर क्रॉस और मरियम की मूर्ति है। हमें पता चला कि भगवान नरसिम्हा की तस्वीर इस पहाड़ी पर नहीं बल्कि इस पहाड़ी से थोड़ी ही दूरी पर एक और पहाड़ी है, वहाँ है। हम उस पहाड़ी पर गए और हमने यहाँ पत्थर पर बनी नरसिम्हा की आकृति देखी, यानी स्थानीय पुलिस का सोशल मीडिया पर किया गया दावा सही था। इस पूरे इलाके को एर्राकोंडा कहते हैं यानी लाल पहाड़, और ये पूरा इलाका 85 एकर्स में फैला है और पिछले कई दशकों से माइनिंग के लिए इन पहाड़ों को खोदा जा रहा है। अब सीता माता के कदम किस पहाड़ पर पड़े इस पर विवाद चल रहा है। इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अवैध खनन और कन्वर्जन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। खैर, इस मुद्दे पर पड़ताल फिर कभी। पहले हमारे लिए इस निष्कर्ष पर पहुँचना जरूरी है कि माता सीता के पद चिन्हों पर धार्मिक अतिक्रमण हुआ है या नहीं। अब हम पहुँचे मंडल रेवेन्यू अधिकारी जय श्रीनिवास राव के पास, जिनके अधिकार क्षेत्र में ये पूरा इलाका आता है। But due to the mining activities, due to the blasting of the hill,
the footprints were destroyed. सरकारी अधिकारी के मुताबिक पहाड़ी पर पहले माँ सीता के पैरों के चिन्ह थे, लेकिन खनन की वजह से वो चिन्ह खत्म हो गए। अब सवाल है कि वो चिन्ह कैसे खत्म हो गए लेकिन ये एकमात्र सवाल नहीं है। हमारी पड़ताल के दौरान जो दूसरी कहानी सामने आई वो है सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की। इस पहाड़ी पर जो क्रॉस बनाए गए, मंडल रेवेन्यू अधिकारी के मुताबिक ये जमीन सरकारी है। तो जब जमीन सरकारी है तो यहाँ धार्मिक निर्माण किससे पूछ कर हुआ? Yes, sir. It is government land, sir. It is government. We have, as per GO 571, government land may be alienated, allotted for different purposes, for as per rule, government issue. So it is not a public. Public place means it is not a public place. There is no. It is not a road. It is not a other worship places are not there, sir. As per my knowledge, any public property or such government property belongs to public only. We cannot differentiate the public and government. There is a recommendation of the Supreme Court or a judgment of Supreme Court that government cannot give any permission for the religious purposes on the hilltop or in and around surroundings of the hill. अब चर्च के फादर की दलील सुनिए। 30 years back, that time MLA Chukka Peter Palgaru, it is he who did actually in the beginning, in the year 1990 he took the Mother Mary statue to the top of the mountain. हमारी पड़ताल में तीन बातें सामने आईं। इन पहाड़ियों पर पहले सीता जी के पैरों के चिन्ह थे, और दूसरी बात, ये क्रॉस सीता के पैरों के चिन्ह पर बने हैं या नहीं इसका प्रमाण नहीं है, और तीसरी बड़ी बात, क्रॉस का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से हुआ जिसे अब रोक दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकारी अधिकारियों ने यहां पर क्रिश्चियन क्रॉस के निर्माण के काम को रोक दिया है और स्टेटस को बनाए रखने के आदेश दिए हैं, लेकिन ये विवाद क्या थम जाएगा या फिर टकराव की स्थिति बनी रहेगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, एडलापाडु, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.